नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तीन अर्थशास्त्रियों को मिला इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। बेन एस वर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइवविग को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। क्रीमिया ब्रिज पर हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर दागी 75 मिसाइल। खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू का मुख्यालय को भी रूस की ओर से निशाना बनाए जाने की खबर है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में उतारी आर्मी। आपको बता दें, नई आर्मी उन्होंने मैदान में उतारी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने डॉल्फिन्स मछले को भी मैदान में उतार दिया। डॉल्फिन्स आर्मी बहुत ही तेज तर्रार होती है। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन। 22 की मौत, 50 से ज्यादा लापता। संगीन मोड़ पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। क्रीमिया ब्लास्ट को रूस ने बताया आतंकी हमला। पुतिन ने बुलाया अहम बैठक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब एक्शन मोड पर आ गए हैं। माना जा रहा है कि अब रूस भी यूक्रेन पर बड़े हमले की साजिश रच रहा है। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में गोलीबारी, एक शख्स की मौत, 6 जख्मी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब के भीतर दो पक्षों के बीच कहासुनी के चलते गोलीबारी हो गई। वारदात में एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री जयशंकर ने जोन राइट और स्टीफन फ्लेमिंग की तारीफ की। कहा, रोस ट्रेलर मेरे फेवरेट क्रिकेटर। जयशंकर ने कहा कि भारत में कोई भी कभी जोन राइट को नहीं भूलेगा। या जो आईपीएल मैच देखता होगा वह स्टीफन फ्लेमिंग की अनदेखी नहीं कर सकता। गुजरात में नए रूप में घुसना चाह रहे हैं अर्बन नक्सल, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। सोमवार को पीएम मोदी भरूच में लोगों को संबोधित करते नजर आए। पश्चिमी देशों पर भड़के एस जयशंकर, दशकों तक भारत को नहीं दिए हथियार। भारत के रक्षा क्षेत्र में रूस के महत्व की तरफ इशारा करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफी अधिक है और इसकी कई वजह है। केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को मिली सौगात। महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सूचित किया है कि महंगाई राहत को बढ़ाकर 34% से 38% कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने सीएम की कुर्सी पर बैठे अखिलेश यादव की मंच पर ही लगा दी थी डांट। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही वह 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। उन्होंने कई मौकों पर अपने बेटे अखिलेश यादव की क्लास भी लगाई थी। मुलायम सिंह यादव की कई बॉलीवुड सितारों से थी अच्छी दोस्ती। अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ शेयर करते थे अच्छा बॉन्ड। राजनीति के धुरंधर मुलायम सिंह यादव की फिल्मी दुनिया के कई सितारों से अच्छी दोस्ती थी। इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर कई स्टार्स शामिल हैं। संजय राउत को राहत नहीं। पात्रा चौल घोटाला मामले में 17 अक्टूबर तक बड़ी न्यायिक हिरासत। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। चला गया राजनीति के मैदान का पहलवान। उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव सैफई में किया जाएगा। पिंक लाइन पर ट्रैक पर आया शख्स। एम विश्वेश्वरैया स्टेशन से भिकाजी काम प्लेस तक सर्विसेज हुई लेट। पिंक लाइन पर मेट्रो की सर्विसेज को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अहम जानकारी दी। डीएमआरसी ने बताया कि मेट्रो सर्विसेज में देरी हो सकती है। किसानों को खून के आंसू रुला रही बारिश। हजारों घर डूबे, फसलें हुई तबाह। देश के अलग अलग राज्य से बारिश के कारण हुए हादसों की खबरें आ रही हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान में अब तक हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं अब तक कई लोगों की जान भी चली गई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने समुदाय विशेष को लेकर दिया विवादित बयान। लोगों से की संपूर्ण बहिष्कार की अपील। मंच पर खड़े होकर प्रवेश वर्मा ने नारा देते हुए कहा कि हम इनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। लोगों से अपील की है कि वह इन लोगों की दुकानों, रेडियो से सामान ना खरीदे, इनको कोई मजदूरी ना दी जाए। नशे के खिलाफ एमपी पुलिस के एक्शन की सीएम शिवराज ने की तारीफ। अब तक सैकड़ों आरोपियों पर नकेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के अवैध व्यापार पर की गई कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। अभियान के तहत पुलिस ने 2 दिन में 200 लोगों को आरोपी बनाया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।